हम लोग बीएससी नर्सिंग 2023 एग्जाम्स में प्लांट हार्मोन एंड चैप्टर एंड मूवमेंट चैप्टर से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, निम्न में से कौन प्लांट हार्मोन, ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी मेलाटोनिन, डी थायलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी थायलिन। थायलिन जो है फ्रेंड वह प्लांट हार्मोन है। इसमें से फ्रेंड जो इंसुलिन है फ्रेंड यह जो है हमारे ब्लड में शुगर और ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। थायरोक्सिन जो है फ्रेंड इसकी कमी से जो है फ्रेंड हमारे बॉडी में घेंगा गॉइटर डिसीज जो है फ्रेंड वह क्रिएट हो उत्पन्न होता है। और ऑप्शन नंबर सी जो दिया है फ्रेंड मेलाटोनिन, यह जो हमारे फ्रेंड बॉडी में सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करता है, सोने जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है, यह पीनियल ग्लैंड से जो है फ्रेंड सिक्रीट होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमेनन ऑफ फोटोट्रोपिज्म इन प्लांट, प्लांट में फोटोट्रोपिज्म की प्रोसेस के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज जिब्रेलिन, टॉक्सिन, साइटोकानिन, डिस ऑक्सिन। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है फ्रेंड वह फिनोमेनन ऑफ फोटोट्रोपिज्म इन प्लांट के लिए जो है फ्रेंड रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, द मेन फंक्शन ऑफ द प्लांट हार्मोन कॉल्ड एब्सिसिक एसिड, प्लांट हार्मोन जिसे एब्सिसिक एसिड कहते हैं उसका मेन फंक्शन क्या फ्रेंड, ए इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल्स, बी प्रमोट सेल डिवीजन, सी इनहिबिट प्लांट हार्मोन, डी प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनहिबिट प्लांट प्लांट ग्रोथ। या फ्रेंड जो है एब्सिसिक एसिड जो होता है फ्रेंड या पौधों में प्लांट के ग्रोथ को जो है फ्रेंड इनहिबिट करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रमोशन ऑफ ग्रोथ इन प्लांट, प्लांट में ग्रोथ के प्रमोशन से कौन सा फाइटो हार्मोन एसोसिएटेड नहीं होता है, ऑक्सिन, बी एब्सिसिक एसिड, सी जिब्रेलिन, डी साइटोकिनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो एब्सिसिक एसिड है फ्रेंड या प्रमोशन ऑफ ग्रोथ से जो है फ्रेंड एसोसिएटेड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, द प्लांट हार्मोन व्हिच ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट बॉडी, और प्लांट हार्मोन जो प्लांट बॉडी से मैच्योर लीव एंड फ्रूट्स के ट्रिगर्स होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन, सी एब्सिसिक एसिड, डी साइटोकिनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर सी एब्सिसिक एसिड जो है फ्रेंड वह लीव और फ्रूट को जो है प्लांट बॉडी से ट्रिगर्स होने के लिए जो है फ्रेंड रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, द रेट ऑफ ग्रोथ इन रूट इज डिक्रीज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन, निम्न प्लांट हार्मोन में से किस प्लांट हार्मोन के क्रिया एक्शंस के द्वारा जो फ्रेंड प्लांट में रूट की जो ग्रोथ होती है डिक्रीज होती है, दिस प्लांट हार्मोन इज, या प्लांट हार्मोन ए जिब्रेलिन, बी ऑक्सिन, सी साइटोकिनिन, सी साइटोकिनिन, डी इथाइलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रेंड ऑक्सिन, यह ऑक्सिन के एक्शंस के द्वारा होता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, द बेंडिंग ऑफ द रूट ऑफ अ प्लांट अवे फ्रॉम अ सोर्स ऑफ सनलाइट, सनलाइट के सोर्स से प्लांट के रूट का जो बेंडिंग होने की क्रिया होती है इज कॉज्ड बाय प्लांट हार्मोन कॉल्ड, जिस प्लांट हार्मोन के कारण होता है उसे क्या कहते हैं, साइटोकिनिन, बी जिब्रेलिन, सी एब्सिसिक एसिड, डी ऑक्सिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सिन के कारण होता है बेंडिंग ऑफ रूट ऑफ अ प्लांट अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, मोस्ट ऑफ द प्लांट हार्मोन प्रमोट द प्लांट ग्रोथ, अ प्लांट हार्मोन व्हिच इनहिबिट प्लांट ग्रोथ, अधिकतर प्लांट हार्मोन पौधों के ग्रोथ को बढ़ाते हैं, बट निम्न में से कौन सा प्लांट हार्मोन है जो पौधों के जो प्लांट में ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो इसका चार ऑप्शन है, एब्सिसिक एसिड, बी एथीन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी साइटोकिनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर ए एब्सिसिक एसिड जो है फ्रेंड वह इनहिबिट प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, द बेंडिंग ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट टुवर्ड अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के सोर्स की तरफ जो है फ्रेंड प्लांट के स्टेम का बेंडिंग होने की क्रिया जो है वह किस फाइटोहार्मोन के एक्शंस के कारण होता है, ए एब्सिसिक एसिड, बी ऑक्सिन, सी जिब्रेलिन, डी साइटोकिनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, बी ऑक्सिन जो है फ्रेंड वह बेंडिंग ऑफ स्टेम ऑफ अ प्लांट टुवर्ड अ सोर्स ऑफ लाइट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, ए ऑक्सिन, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी एंड्रोजन्स, डी थायलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बूथ एस्कॉर्बिक एसिड और एंड्रोजन दोनों ही क्या है जो फ्रेंड वह प्लांट हार्मोन नहीं है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ, अर्थ के द्वारा क्रिएट किए गए फोर्स से जो है उस प्लांट पार्ट का जो मूवमेंट है अर्थ की तरफ अट्रैक्शन जो मूवमेंट है फ्रेंड उसे क्या कहते हैं, ए हाइड्रोट्रॉपिज, बी जियोट्रॉपिज, सी कीमोट्रॉपिज में, डी
फोटोट्रॉपिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, जियोट्रॉपिन। उसे जियोट्रॉपिन कहते हैं क्योंकि ये फ्रेंड जो अर्थ के द्वारा जो है फ्रेंड एक्सर्ट किया जा रहा, क्रिएट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ द सन इज ड्यू टू, जो सनफ्लावर का प्लांट होता है उसका जो फ्रेंड लाइट के पाथ की तरफ जो मूवमेंट होता है वह किस क्रिया के, वह जिस क्रिया के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं, ये फोटोलाइसिस, भी फोटोट्रॉपिन, सी हाइड्रोट्रॉपिन, डी कीमोट्रॉपिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, फोटोट्रॉपिन। उसे फोटोट्रॉपिन कहते हैं कि फ्रेंड जो है यह सनलाइट या सन की तरफ जो है सन की पाथ की तरफ इसके फ्लावर का जो है मूवमेंट हो रहा है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, द प्लांट पार्ट हुई एग्जिबिट नेगेटिव जियोट्रॉपिन, वह प्लांट पार्ट जो नेगेटिव जियोट्रॉपिन एग्जिबिट करता है, रूट, बी स्टेम, सी ब्रांच, डी लीफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, स्टेम जो है फ्रेंड वह नेगेटिव जियोट्रॉपिन को एग्जिबिट करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अ बिग ट्री फॉल इन अ फॉरेस्ट बट इट्स रूट आर स्टिल इन कंटेक्ट विद सॉइल, एक बड़ा पेड़ जो फॉरेस्ट में ग्रो कर रहा है लेकिन इसका रूट जो है वह सॉइल के कंटेक्ट में, द ब्रांच ऑफ दिस फॉलन ट्री ग्रोज स्ट्रेट अप, इस फॉलन ट्री का ब्रांच जो है वह सीधा ग्रो कर रहा है, दिस हैपन इन रिस्पॉन्स टू, या किसके कारण हो रहा है, वाटर एंड लाइट, वाटर एंड मिनरल, ग्रेविटी एंड वाटर, लाइट एंड ग्रेविटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, लाइट एंड ग्रेविटी, क्योंकि लाइट जो है फ्रेंड वह ग्रो स्ट्रेट प्लांट के जो ट्री है उसके स्ट्रेट अप ग्रो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल, और ग्रेविटी जो है फ्रेंड वह कंटेक्ट विद द सॉइल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कास्ट बाय या ग्रोथ मूवमेंट, निम्न में से कौन सा ग्रोथ मूवमेंट के द्वारा नहीं होता है, बेंडिंग ऑफ द सूट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, क्लोजिंग अप ऑफ लीफ ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग विद एन ऑब्जेक्ट, क्लिंबिंग अप ऑफ अ प्लांट ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग टेंड्रिल, डी मूवमेंट ऑफ द रूट ऑफ अ प्लांट टू आर्ड अ सोर्स ऑफ वाटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर बी, क्लोजिंग अप ऑफ लीव ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग विद एन ऑब्जेक्ट, इसी का जो है फ्रेंड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट द मूवमेंट ऑफ द रूट ऑफ अ प्लांट टू आर्ड मॉइस्चर इन द सॉइल, निम्न में से कौन सा टर्म सॉइल के मॉइस्चर की तरफ प्लांट के रूट का मूवमेंट को सुख प्रदर्शित करता है, थिग्मोट्रॉपिन, बी कीमोट्रॉपिन, सी हाइड्रोट्रॉपिन, डी जियोट्रॉपिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड हाइड्रोट्रॉपिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, द ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल कॉज्ड बाय सुगरी सब्सटेंस, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ जो ओव्यूल की तरफ होता है वह एक सुगरी सब्सटेंस के द्वारा होता है जो स्टिमुलस की तरह व्यवहार करता है, तो यह किस चीज़ का एग्जाम्पल है फ्रेंड, ए फोटोट्रॉपिन, बी क्लोरोट्रॉपिन, सी ग्रेविटो ट्रॉपिज्म, डी कीमोट्रॉपिज्म। तो यह फ्रेंड जो है कीमोट्रॉपिज्म कहलाता है क्योंकि जो इसका सुगरी सब्सटेंस होता है फ्रेंड उसमें जो है फ्रेंड क्या होता है केमिकल उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, द स्टिमुलस इन द प्रोसेस ऑफ थिग्मोट्रॉपिज्म इज, थिग्मोट्रॉपिज्म की प्रोसेस में जो स्टिमुलस होता है वह क्या है, ए टच, बी ग्रेविटी, सी लाइट, डी केमिकल। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड टच जो होता है फ्रेंड वह थिग्मोट्रॉपिज्म की प्रोसेस में स्टिमुलस का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अ ग्रोइंग सीडलिंग इज केप्ट इन अ डार्क रूम, एक ग्रो करते हुए सीडलिंग को डार्क रूप में रखा जाता है, ए बर्निंग कैंडल इज प्लेस्ड नियर इट फॉर अ फ्यू डेज, एक जलते हुए कैंडल को कुछ दिनों के लिए उसके पास रख दिया जाता है, द टॉप पार्ट ऑफ सीडलिंग बेंड टुवर्ड द बर्निंग कैंडल, सीडलिंग का जो टॉप पार्ट होता है वह बर्निंग कैंडल के टॉप पार्ट के बर्निंग कैंडल की तरफ मुड़ जाता है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, या किस चीज़ का एग्जाम्पल, ए कीमोट्रॉपिन, बी हाइड्रोट्रॉपिन, सी फोटोट्रॉपिन, डी जियोट्रॉपिन। तो यह फ्रेंड जो है फोटोट्रॉपिन का एग्जांपल है, जैसे फ्रेंड सनफ्लावर के प्लांट में जो उसका फ्लावर है वह सन के पाथ की तरफ जो है फ्रेंड मूवमेंट को शो करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ स्टिमुलस इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोट्रॉपिन, हाइड्रोट्रॉपिन के प्रोसेस में कौन स्टिमुलस की भांति व्यवहार करता है, हाइड्रोकार्बन, बी हाइड्रोजन ऑक्साइड, सी हाइड्रोजन क्लोराइड, डी हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है फ्रेंड वह हाइड्रोट्रॉपिज्म की प्रोसेस में जो है फ्रेंड स्टिमुलस की भांति व्यवहार करता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।